नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर पुलिस ने एक महिला सहित दो नशा तस्करों को किया काबू। 6 किलो 655 ग्राम हेरोइन व 6 लाख रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों शिरोमणि कमेटी के कर्मचारी के कातिल को किया काबू। 4 दोषी फरार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को किया काबू। 1 किलो 6 ग्राम अफीम की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों के अनुसार नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत सरहद पार से नशे की तस्करी में शामिल नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिरोजपुर पुलिस ने 6 किलो 655 ग्राम हेरोइन और 6 लाख रुपयों की ड्रग मनी सहित दो नशा तस्करों, जिनमें से एक महिला भी है, को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सिमरन कौर उर्फ इंदु निवासी मोगा और गुरजोत सिंह निवासी जैमल वाला मोगा के तौर पर हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों रुपयों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और आरोपी सिमरन कौर के खिलाफ NDPS एक्ट, जेल एक्ट आदि से संबंधित कम से कम 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए CIA फिरोजपुर की पुलिस टीमों ने पुरानी मुदकी रोड पर नाका लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से इनोवा कार में छिपा कर रखी 6 किलो 655 ग्राम हेरोइन सहित 6 लाख रुपयों की ड्रग मनी बरामद करने के साथ ही उनका वाहन भी जब्त कर लिया। इस बारे में विवरण साझा करते हुए SSP फिरोजपुर सौम्य मिश्रा ने बताया कि तकनीकी जानकारी के आधार पर CIA पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया और गत रात्रि आरोपियों को नशे की खेप व ड्रग मनी सहित काबू कर लिया। वहीं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आधारित नशा तस्कर और जिन व्यक्तियों को ये खेप पहुंचानी जानी थी कि पहचान के लिए आगे वाली जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा NDPS एक्ट की धारा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किए गए तस्करों की गैर कानूनी जायदाद को जब्त करने के लिए भी कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मान्योग चीफ मिनिस्टर पंजाब और मान्योग DGP पंजाब सर की हिदायत अनुसार जो ड्रग्स के खिलाफ असी मुहिम कर रहे सीगे, उसमें फिरोजपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल देर रात हमारे पास एक इनपुट था कि कुछ ट्रांस बॉर्डर नारकोटिक्स स्मगलर हमारे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते हुए हमने इनका पूरी तरह से इनका पीछा किया, इन पे नाके लगाए और फाइनली इनको पकड़ने में हम कामयाब हुए। दो दोषी पकड़े हैं फिरोजपुर पुलिस ने, एक सिमरत कौर जिनकी उम्र 38 ईयर्स है, 38 साल, और इनके ऊपर पुराने 15 पर्चे जिसमें से 11 NDPS एक्ट के पर्चे हैं। दूसरे गुरजोत सिंह जो इनके ही भांजे हैं और इनकी उम्र 28 साल है और इनपे पुराना एक पर्चा दर्ज है। जो टोटल रिकवरी हुई है वो 6 किलो 655 ग्राम हुई है और टोटल 6 लाख ड्रग मनी भी रिकवर हुआ है। मैम, जैसे आप बता रहे हो कि इनके भांजे ही हैं, तो परिवार में और लोग भी नशे की तस्करी का कोई काम करते हैं? ये सारा कुछ हम वेरीफाई कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये जो लेडी हैं सिमरन कौर, इन पे पुराने 15 मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा मोगा जिला में 2014 में था। इनके अगर परिवार के लोग इसमें शामिल हैं या इनके गिरोह में और भी जो लोग शामिल हैं, उनके फॉरवर्ड तो और बैकवर्ड लिंकेजेस हम जरूर ट्रेस करेंगे और जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई है इनके खिलाफ और अन्य दोषी के खिलाफ जरूर लेंगे। अमृतसर में गत दिनों शिरोमणि कमेटी के कार्यालय में एक कर्मचारी का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी को काबू कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP सुरेंद्र सिंह ने बताया कि SGBC कार्यालय में अकाउंट ब्रांच के कर्मचारी का कत्ल हुआ था। उसमें कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी मलकीत सिंह को काबू कर लिया गया है और जो बाकी 4 आरोपी बचे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वही उन्होंने कहा कि इस वारदात के पीछे इनका कोई घरेलू मसला था, जिसके चलते सुखबीर सिंह द्वारा दरबारा सिंह का कत्ल किया गया था। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जरा SCPC दफ्तर के उन्होंने अकाउंट ब्रांच के मुलाजम का कतल होया टोटल पांच जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जिसे असी मलकीत सिंह जो एक मेन मुलजम उन्होंने आप गिरफ्तार कर लिया बाकी जो दोषियों के उत्ते जो रेड किए जा रहे हैं जल्दी उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। कारण उन्होंने कोई घरेलू मसला से कोई जोड़ा जिन्हें कतल किया इल्जाम लाता से वो उत्ते मृतक के भी उन्हें उन्होंने वो बेटी घर खराब किया और भजाने वो मदद की आते करके वो मन च रंजिश से उस रंजिश करके उन्होंने मदद करिए नहीं जी नहीं इस मामले सानू कोई शिकायत नहीं आई हाले वो साडे एरिए रहने वाले नहीं साडे एरिए काम करते उत्ते दरबार साहब के तेजा सिंह समुद्री हाल के जेडे मृत जेडे मारन वाले ने धर्म प्रचार कमेटी काम करते हैं और रेंदे है जेडे SCPC के क्वार्टर है वो साडे एरिए नहीं पेंदे अदरवाइज जे कि होर कोई कंप्लेट दी हो पता नहीं पर सानू उन्होंने कोई कंप्लेट नहीं चार जने अजे बाकी है जी उन्होंने आप रेड कर रहे हैं उन्होंने टीम लाइया हुई जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में शहर में अफीम की सप्लाई करने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गिरोह शहर में अफीम की तस्करी कर रहा है। इसी सूचना के आधार पर थाना डिवीज़न नंबर 1 जालंधर की टीम ने CGS पब्लिक स्कूल सर्विस लेन GT रोड जालंधर के पास गश्त के दौरान एक व्यक्ति को हाथ में बैग पकड़े हुए देखा। जब पुलिस ने उक्त व्यक्ति को रोककर उसके बैग की तलाशी दी तो उसमें से 1 किलो 6 ग्राम अफीम बरामद की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान राम प्रसाद निवासी गाँव बुआ कंबुआ जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह पहले रिक्शा चलाता था और आर्थिक तंगी के कारण उसने अफीम बेचनी शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी साडे सत्कारयोग CP साहब दे हुक्मां दी डिवीजन नंबर 1 ने एक CGS स्कूल के बाहर नाका लाया जिथे एक बंदे नू काबू किया गया जिदे बैग दे विचों 1 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई। मौके ते मौजूद पुलिस पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी नाल उस बंदे नू काबू किया। काबू करन उपरंत FIR नंबर 111 साल 2024 जिहड़ी NDPS एक्ट अधीन थाना डिवीजन नंबर 1 दे विच दर्ज हुई है जिदे विच एक दोषी जिहड़ा हैगा उह अरैसट होया। वह दोषी का नाम राम प्रसाद है जी ते वह दोषी रहने वाला पक्का वसनीक हैगा बरेली का UP तो इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी इस मुकदमे दे विच जारी है ते अगे असी इहदियां बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस जिहड़ी हैगियां उह वी कोप कर रहे हैं। इहदा इह कित्थों लैके आंदा सी की इहदा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सीगा ते उस तो बाद इस मुकदमे दे विच जिहड़े होर दोषी साडे सामने आणगे ते उहनां दे खिलाफ बनदी कानूनी कार्रवाई कीती जाएगी। तरन तारण जिला के सीमावर्ती थाना वल्टोहा पुलिस और BSF की 103 बटालियन ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव कौलिया के खेतों से 380 ग्राम हेरोइन बरामद की है। थाना वल्टोहा के SHO चरण सिंह को मिली गुप्त सूचना के बाद तुरंत BSF 103 बटालियन के साथ भारत पाक सीमा पर गांव कौलिया के खेतों में सर्च अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान एक किसान के खेत में एक पैकेट मिला जिसकी जांच करने पर उसमें से 380 ग्राम हेरोइन बरामद हुई जिसके बाद आसपास के खेतों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। इस अवसर पर थाना वल्टोहा के SHO चरण सिंह ने बताया कि इस संबंधी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज 15 अगस्त दे मध्य सुबह तो जिहड़ा साडा सर्च ऑपरेशन चल रहा बॉर्डर एरिए दा जी ए नाल साडे BSF ज्वाइंट साडा सर्च ऑपरेशन है जी तकरीबन 15 अगस्त करके डेली साडा सर्च ऑपरेशन चलता जी। अज सर्च ऑपरेशन दौरान सानू सरवण सिंह पुत्र साहब सिंह वासी कालिया ने इतलाह दिती है इत्थे काली एरिए असीं सर्च कर रहे जी कि मेरी जिहड़ी आ खेत चरी आ चरी जिहड़ी आ कट रहे इहदा चारा बनाउण लई भी उत्थे एक पैकेट जिहदे उत्ते पीली टेप जीव लेटी हुई आ कुंडी लगी हुई आ भी उत्थे मेरी जमीन दे विच पिया होया जी ते उह इतलाह ते असीं इहदे साथ इत्थे पुज्जे आ जी ते इहदी निशानदेही ते उह पैकेट जिहड़ा मिलिया उहनूं असीं इहदी हाजरी दे विच ही खोल के चैक किया उहदे विच लिक्विड पदार्थ चैक किया है हीरोनी लेकिन जिवें उहनूं पाणी लग गया हुंदा ना
पानी लं लग के सलाबना या जिदा भी आ रात तरेल तरूल पी लग के तो जो ना लीकुड हो गया उन्होंने वेट किया 388 ग्राम जी लीकुड पदार्थ हैरोन जी किटना टैसट किया गया वह है हीरोन ही है पर लीकुड हो गई है पानी लगन का सर की अगे की कार्रवाई अगे जी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जी असं 21C-68 आ 10-11-12 एयरक्राफ्ट एक्ट आनू कुंडी लगी है जी ये ड्रोन राही जी पाकिस्तान जरा लगातार ही हरकत कर रहा कि आप बर्बाद करने तो उस लड़ी में ही कित खेप आई है तो एक चेरी के डिगण करके जी जे अगे नई खेप जी चकी गई सर इस तरह आज़ादी दिवस जरा बिल्कुल नेड़े आ ते आज़ादी दिवस के मतलब मौके दे तुसी ऐसी खेप जड़ी है जां ऐसे नशियां तो बचन दे लई नौजवान पीढ़ी नूं की प्रेरित करना चाहुंदे असीं तो ये कहिंदे जी वेखो अच्छे काम करो नशे की लानत बारे सारयां नूं पता है जी अजकल नौजवान पीढ़ी पढ़ी लिखी है अपना बुरा भला खुद सोचती है जी असीं तो यही प्र इन्हां नूं सूचना देना तुहाडे माध्यम राही यही इन्हां नूं जानकारी देना चाहुंदे आ भई नशियां तो दूर रहो अपने माँ प्यो की आग्या चलो चंगे काम करो जे कोई नशियां दे धंधा करदा सतागर आ नशियां दा जिदा इन्हां सानू तलाह दित्ती है तां पुलिस नू तलाह दो सच्ची सुची तो इन्हां नू जेलां दे विच डक्या जावे तो नशे ते ठल पाई जा सके हैरोइन तो इलावा सर कोई जिवें तुसीं कह रहे ड्रोन राही आएगी कोई ड्रोन तो नहीं मिल नहीं जी ड्रोन नहीं मिलिया जी है खेप ड्रोन राही आई है जी इहनूं कुंडी लगी हुई है उत्ते तो ये जिहड़ी मूवमेंट ड्रोन की है जी जालंधर के बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी होटल में भीषण आग लगी जिससे इलाके में हड़कंप मच गया तो वहीं होटल के अंदर से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये आग होटल के नीचे स्थित एक कार्यालय में लगी थी। बताया जा रहा है कि एक AC के फटने के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है। आग लगने के बाद होटल के सभी कर्मचारियों और मेहमानों को तुरंत बाहर निकाला गया जिससे किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि आग धीरे धीरे फैलती गई और होटल के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं होटल के आसपास की अन्य इमारतों में भी सुरक्षा के मद्देनजर सावधानियां बरती जा रही हैं। तो वहीं घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर ना जाएं व दमकल विभाग के काम में बाधा ना डालें। फिलहाल खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य जारी था। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर सानू फोन है 10-25 दे की होटल संगम दे थले दफ्तर है उन्होंने बिच अग लगी। असीं तुरंत दो गड्डियां कढ के अग वाली जगह ते आ के अग ते पानी जला के अग ते काबू पा लिया। नुकसान उन्हां काफी हो गया है। दो गड्डियां लग चुकी है जानी नी माली नुकसान होने का। अंदर AC सी AC अग लगी हुई थी। पंजाब सरकार की आपकी सरकार आपके द्वार पहल के तहत जालंधर के भार्गव पिंप में विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में विधायक महेंद्र भगत और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनी व उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान विधायक महेंद्र भगत ने कहा कि इस पहल के माध्यम से लोगों को उनके द्वार पर ही सरकारी सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार राज्य भर में ऐसे शिविर आयोजित कर रही है जिससे लोग अपने प्रशासनिक कार्यों को अपने घर के पास ही निपटा सकें। ये शिविर जनता के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे सरकारी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपने कामों के लिए दूर दराज की सरकारी दफ्तरों में भी नहीं जाना पड़ता जिससे उनके समय और पैसों की बचत हो रही है। महेंद्र भगत ने ये भी आश्वासन दिया कि कोई भी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, पावरकॉम, श्रम, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पंजाब मंडी बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मार्केट कमेटी जालंधर, नगर निगम जालंधर और सेवा केंद्र सहित विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए के साथ साथ उनकी समस्याओं की सुनवाई भी की। शिविर के दौरान नगर निगम जालंधर के कमिश्नर गौतम जैन, एसडीएम बलबीर राज सिंह और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक महेंद्र भगत ने लोगों से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आने वाले दिनों में ऐसे और भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हम सत्कारयोग पंजाब की जनता के हरमन प्यारे नेता मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई हेठ सारे पंजाब विच सारिया विधानसभा दे विच सरकार आपके द्वार की स्कीम के तहत आज जलंधर वैस्ट विच जो सारे सरकारी अफसर अलग अलग डिपार्टमेंट तो लोगों दी समस्यावां सुनने लिए आए हैं और इन्हां दा मौके ते ही निपटारा किया जा रहा है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, कारपोरेशन है, सीवरेज बोर्ड, तहसील का कोई भी काम सरकारी इदारे का जो है वो सरकार वालों अज मौके ते किया जा रहा है। सो असी सारे ही जो पंजाब की जनता है और खास करके जलंधर वैसी जनता आज बहुत खुशी महसूस कर रही है कि पंजाब के हरमन प्यारे नेता और मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान साहब जी की रहनुमाई हेठ अज सरकार चल के जनता के द्वार आई है और जनता दियां सारिया ही जो मंगा हैं वो पूरिया कर रहे हैं और जो समस्या हैं उनका हल किया जा रहा है। तो मैं सारे साथियों को चाहवांगा कि आप अज इस कैंप के इत्मीनान के नाल बड़े ही धीरज रख के सारे काम कराइए और मैं वादा करता हाँ कि पंजाब की और खास करके जलंधर वैस्ट की जनता का कोई भी ऐसा काम जो है सरकारी काम पेंडिंग नहीं रहेगा और सारे ही समस्या का हल किया जाएगा। इस करके मैं सारे बेनती करांगा आज इस कैंप का वध तो वध फायदा उठाओ और अपने सरकारी काम कराओ। होशियारपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उस समय बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जब नवरात्रों के चलते होशियारपुर में माता चिंतपूर्णी के मेले में तीन लड़कों द्वारा अपने एंजॉयमेंट के लिए पैदल चलने वाले यात्रियों को परेशान किया जा रहा था और मेले में चलने वाले यात्रियों का माहौल खराब किया जा रहा था कि तभी किसी व्यक्ति द्वारा उनकी वीडियो बनाकर होशियारपुर के ट्रैफिक के सिंघम ऑफिसर इंचार्ज सुभाष भगत तक पहुंचाएगी। तब होशियारपुर के ट्रैफिक सिंघम कहलाए जाने वाले इंचार्ज सुभाष भगत ने उन लड़कों की पहचान कर उनके घर पर पहुंच गए। वे उनके परिवार के सामने लड़कों की एक्टिवा जिस पर भी मेले में लोगों को परेशान कर रहे थे उसे जब्त कर लिया। साथ ही मोटे चालान के रूप में उन लड़कों को गिफ्ट भेंट किया और उन्हें आखिरी चेतावनी भी दी। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। जिहड़ी मेले की माण मर्यादा आनू ठेस पहुँचाई है, तू इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है? सियाने बनो, इदा नहीं करी। तो बेटा मेला देखना, मेला देखो तुसी, पर ये थोड़ी कि तुसी उच्ची उच्ची आवाज़ा करके नॉइस पोल्यूशन करोगे। अगर तुसी तीन कर रहे हो उत्थे हजारों के हिसाब ने श्रद्धालु है, अगर वह सारे बजाऊंगे तो फिर वो कोई वधिया गल थोड़ी। जिहड़े छोटे बच्चे तुहानू देखणगे अज तो साल बाद दो साल बाद वो भी यही करनगे कि माता चिंतपुर्णी के मेले च इदा हुंदा, ठीक है? अगे तो इस तरह नहीं करनी करना। जिहड़ा तुहाडा गिफ्ट है ये तुहाडा तैयार हो गया, आ लो इहनू संभाल के रखना, इहदी एक कापी करा के रख लैनी है। जदों अगे अगले साल सन 25 दे विच माता जी का मेला आना तो इहनू वेख के फिर जाना मेले च, तुहानू फिर चेता रहूगा, ठीक है? आ लो। तो मैं बाकी जिहड़ी संगत दूर दराडियों आ रही है उन्होंने भी बेनती करनी चाहुंदा कि प्लीज़ टू व्हीलर के उपर ट्रिपलिंग ना करो। जिहड़े छोटा हाथी है या टाटा 407 है उन्होंने उपर चढ़ के ना आओ, बसों के उपर चढ़ के आओ, मतलब सीटों पर बैठ के उपर छत्तों के उपर ना बैठो। तुसी माता चिंतपुर्णी जी के दर्शन कर जा रहे हो, तुहाडा हुशियारपुर पुलिस वालों पूरे प्रशासन वालों जी आया स्वागत है। असी तुहाडा अपनी अखां बिछा के तुहाडा जिहड़ा स्वागत है वह करते हैं। प्लीज़ सानू कोऑपरेट करो। तो शहर वासियों भी बेनती है कि कोई व्यक्ति जिहड़ा हुल्लड़बाजी ना करे। इन्हां बच्चों ने कल हुल्लड़बाजी की सी,
तो साड़ी टीम का अच्छ सारा दिन लंघ गया इन्हों बच्चों का घर लभ के इन का चलान करने वास्ते इन्हें घर गिफ्ट दे के चले हैं। प्लीज़ सारियां हाथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज़ कोऑपरेट करो, इदा की जी हुलड़बाजी है ना करो। असी तुहानू पूरा आश्वासन देने हैं, असी तुहाडा चलान करन दा बिल्कुल साडा मन है नहीं, पर जे तुसी हुलड़बाजी करके ये मेले के माहौल खराब करोगे तो फिर असी जिहड़ा तुहाडा चलान जरूर करांगे। अदरवाइज़ ये माता जी की संगत है, वो अगे साडा सिर झुकदा है, नकमस्तक होंने माता जी नूं, तुसी जाके दर्शन करके आने, असी तुहाडे दर्शन करके माता जी की जिहड़ी हैगी है खुशी है वह लैनी है, तो मेले दियां खुशियां प्राप्त करनी है। प्लीज़ सानू कोऑपरेट करो ता जो मेला जिहड़ा सुखमय जिहड़ा बतीत हो सके। जय माता दी, सत श्री अकाल। जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के निर्देशों के तहत जालंधर के विभिन्न नाकाबंदियों पर यातायात की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व ADCP सिटी 2 आदित्य और ACP ट्रैफिक आतिश भाटिया ने साय 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच शहर के विभिन्न नाकों पर किया। इस विशेष अभियान के दौरान मॉडल टाउन, PPR मॉल, अर्बन एस्टेट फेज 2, BMC चौक और शहर भर के अन्य नाकों पर ट्रैफिक और ERS टीमों के साथ SHO के द्वारा नाकाबंदी और चेकिंग की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना, सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना और प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित सड़कें प्रदान करना है। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। इस विशेष रात्रि नाकाबंदी एवं चेकिंग अभियान के दौरान अधिक से अधिक वाहनों की जाँच की गई, तो वहीं यातायात की उल्लंघना करने वालों के कुल 30 चालान काटे गए, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को उनके चालान भी शामिल हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मान्योग CP जालंधर साहब जी के निर्देशों हेठ जी है स्पेशल ड्राइव जी है पूरे जालंधर शहर के बीच है चली जा रही है, जिते कि सारे हल्का GOs, हल्का जे है SHOs, 3-4 चौकी अलोंग विद PCR एंड ट्रैफिक टीम, इन्होंने स्पेशल जी है नाकेबंदी और चेकिंग जी है की है। आ जी ड्राइव है लेट नाइट तक जी जारी रहेगी, जोड़े भी यदा जो मेन पर्पज है वो प्रॉपर ट्रैफिक जी व्यवस्था में इंप्लीमेंट कर और क्राइम में कंट्रोल करने वास्ते और जोड़ा हैगा यदा पर्पज है। सर कोई कार्रवाई भी की गई जो देखो ए इस जी कंपेन के अंतर्गत साढ़े ACP ट्रैफिक साहब वालों इन्हों की टीम वालों वक् वक् जे है एक्शन लिते गए हैं, जोड़े जे व्हीकल भी इंपाउंड किए गए हैं, इस तो अलावा जी बुलेट्स के खिलाफ एक्शन है और ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ जो एक्शन है वो भी लिया गया है। तो कि जगह जो नाके लगे देखो नाके पूरे शहर से जोड़े लगे हैं एंड तुम देख सकते हो कि मॉडल टाउन के मैं खुद नाले ACP ट्रैफिक साहब मौजूद है, इस तो अलावा PPR मॉल, अर्बन स्टेट फेज 2, BMC चौक, हर जगह जो है जोड़े जोड़े शहर के मेन चौक चौक है स्ट्रैटेजिक एरिया है उसके असर नाके जो है देखो जी ये असी जलंधर पुलिस इस संबंध में पहला भी इस संबंध में एक्शन कर दी आई है और असी अगे भी असी इस संबंध में बड़े क्लीयर है कि जोड़ा भी एंटी सोशल एलीमेंट है जोड़ा भी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है अगर वो इस संबंध में कोई कार्रवाई करता है तो अगर वो फड़िया जाता है तो वो सख्त लीगल कार्रवाई है वो मन ली जाएगी। इस तो अलावा जो व्हीकल मोडिफिकेशन है उन्होंने जी बचन और अगर पुलिस न कोई भी सहायता की जी जरूरत है तो 112 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असं ऑलवेज जोड़े है पब्लिक के नाल जोड़े है खड़े है एंड साड़ी जी पुलिस है वो हर समय जी है मुस्तैद है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से विभिन्न स्कूलों में यौन शोषण, बाल शोषण पर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेमिनारों की देखरेख ADCP सुखविंदर सिंह और जिला सामुदायिक पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई और इन सेमिनारों में सांझ केंद्र के
कर्मचारियों ने भी भाग लिया। हाल ही में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से SKS पैराडाइज स्कूल दकोहा, BMS स्कूल मॉडल टाउन, MGN खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर छावनी, दुआबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुआबा चौंक जालंधर में सेमिनार आयोजित किए गए। इन सेमिनारों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुड टच, बैड टच, यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे विषयों पर शिक्षित करना है। इसके अलावा सेमिनार में सांझ केंद्रों में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, ऑनलाइन साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियमों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को नए लागू हुए कानूनों 112 हैं 1930 जैसे आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों और नाबालिगों व उनके माता पिता दोनों के लिए कम उम्र में ड्राइविंग के परिणामों के बारे में सूचित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज साढ़े स्कूल के सरदार रघुवीर सिंह सब इंस्पैक्टर जी सांझ केंद्र कमिश्नरेट पुलिस जलंधर वालों आए ने। इन्होंने साढ़े स्कूल के विद्यार्थियों अपने ट्रैफिक रूल वास्ते साइबर क्राइम बारे होर जड़िया गतिविधियां उन्होंने बारे जानकारी दी, जो कि बच्चों के बहुत लाभदायक है और उन्होंने बहुत पसंद आई। असं सारे स्कूल वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मानयोग डायरैक्टर जनरल पुलिस कम्यूनिटी अफेयर जी और मानयोग कमिश्नर पुलिस जलंधर जी वालों दिए गए दिशा निर्देशों तो जो सांझ सेंटर के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो जलंधर सांझ स्टाफ वालों अलग अलग समय पर जलंधर में पेंदे स्कूलों के बच्चों सैमीनार करा के लगातार जाणू करवाया जा रहा, जिस बच्चों गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम के जो अजक बहुत चल रहा वो बारे किस तरह बचा जाना वो बारे जाणू करवाया जाता। इस तो अलावा ट्रैफिक नियमों बारे जाणू करवाया जाता कि जोड़े नवे कानून आए हैं उन्होंने तहत किस तरह जुर्माने हो सकते हैं या किमें मतलब जोड़ा है टीनेजर जो बच्चे आ वो कोई भी वाइकल जोड़ा ना लैके आओ स्कूलों के। इस तो अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम से जोड़े क्राइम हो रहे हैं उन्होंने बारे किस तरह बचिया जाना बच्चों जाणू करवाया जाता है। तो समय समय से होर भी जो बच्चों जड़िया कुछ सहूलत जो सांझ वालों दिखाई जा रही उन्होंने बारे भी जाणू करवाया जाता है। ब्रह्म कुमारी मिशन के मिठापुर सेंटर की बहनें दीदी मनीषा, दीदी त्रिसप्ता और दीदी संदीप ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज के निवास स्थान पर जाकर उन्हें राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के निर्मल प्रेम और संबंध की मधुर स्मृति दिलाने वाला पावन पर्व है। इस पर्व पर भाई को अपनी बहन से मिलकर कितनी खुशी होती है। सचमुच बहन भाई का नाता अति पावन नाता है और उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए बेहद पावन होती है। तो वहीं दीदी मनीषा ने रक्षाबंधन के गहरे अर्थ और इसके आध्यात्मिक संदेश पर बल देते हुए कहा कि रक्षाबंधन कोई शारीरिक रक्षा के लिए नहीं बल्कि आत्मा की बुराइयों, विषयों, विकारों एवं व्यसनों से रक्षा करने का सूचक है। इस रक्षा की जरूरत केवल बहनों को ही नहीं बल्कि भाइयों को भी है। इस अवसर पर दीदी त्रिसप्ता ने कहा कि रक्षाबंधन को विष तोड़क एवं और पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है जो हमें पुण्य कर्म करने और विषय विकारों की आदतों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। वहीं दीदी संदीप ने भी इस पर्व के महत्व को समझाते हुए कहा कि मस्तक पर लगाया जाने वाला टीका अपने आत्मिक स्वरूप में टिके रहने का और मिठाई मीठे वचनों द्वारा सदा मन को मीठा बनाए रखने का प्रतीक है। इस दौरान ब्रह्म कुमारी बहनों ने परमपिता परमात्मा की ओर से मंगल कामनाओं के साथ श्री विज को राखी बांधते हुए उनके जीवन की खुशहाली और परिवार की सुख शांति की कामना की। श्री विज ने इस शुभ अवसर पर बहनों का धन्यवाद करते हुए रक्षाबंधन की महत्वता पर अपने विचार साझा किए और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ओम शांति। आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दैनिक सवेरा के मालिक श्री शीतल विज जी के यहाँ पधारे हैं, तो भाई जी को भी और नगर निवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ये रक्षाबंधन हम इसलिए मनाते हैं कि हमें परमात्मा के साथ एक मीठा बंधन उसका अनुभव हो और ये रक्षाबंधन प्रतीक है पवित्रता के बंधन का, परमात्म प्यार के बंधन का। तो सभी को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। ये रक्षाबंधन का त्यौहार
जो प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, इसमें परमात्मा हम सबकी विकारों से रक्षा करते हैं, जिसके उपलक्ष में ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है, लेकिन रक्षा आज सिर्फ भाइयों बहन को ही जरूरत नहीं है रक्षा की, लेकिन आज सर्व आत्माओं को रक्षा की जरूरत है। तो परमात्मा किस चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं? जब हम सभी आत्माएं विकारों के वशीभूत हो जाती है, तो हम सबके परम रक्षक परम पिता परमात्मा आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं की विकारों से रक्षा करते हैं। जब हम आत्माएं परमात्मा के प्यार में, प्यार के बंधन में बंध जाती है, तो हम आत्मा की सदा सुरक्षा रहती है। तो इसी उपलक्ष में ये पवित्रता का राखी का त्यौहार मनाया जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार राज्य स्तरीय समारोह जालंधर में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तिरंगा लहराएंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। तो वहीं विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा बठिंडा में तिरंगा फहराएंगे, जबकि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी रूपनगर में और वित्त मंत्री हरपाल सिंह पटियाला में तिरंगा फहराएंगी। इससे पहले पिछले वर्ष मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला में तिरंगा फहराया था। इस बार जालंधर में तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई जा सके। वहीं राज्य स्तरीय समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और अन्य कई गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जो देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेंगी। सरकारी अधिकारियों, स्थानीय नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही आम जनता भी समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राज्य की प्रगति और विकास के लिए अपने विचार साझा करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अपनी फ्लैगशिप स्कॉलरशिप परीक्षा एंथे के 15 शानदार वर्ष का जश्न मनाते हुए टेस्ट प्रोपरेटरी सेवाओं में अग्रणी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने एंथे के नवीनतम संस्करण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के सीईओ और एमडी दीपक मल्होत्रा ने कहा कि एंथे 2024 के लॉन्च के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अगले दूरदर्शी लोगों की खोज शुरू की गई है। प्रसिद्ध और सबसे अधिक मांगी जाने वाली टैलेंट हंट परीक्षा एंथे 2024 कक्षा 7वीं से 12वीं तक के कक्षा के विद्यार्थियों को नकद इनाम के साथ 100% तक स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका प्रदान करती है। इस वर्ष एक रोमांचक जोड़ में 5 बढ़िया विद्यार्थियों के लिए फ्लोरिडा यूएसए में कैंडी स्पेस सेंटर की 5 दिन की यात्रा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड पर दोनों के लिए परीक्षा फीस ₹200 हैं। अगर विद्यार्थी 15 अगस्त 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वे रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक की छूट का लाभ भी ले सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं क्लस्टर हेड हूँ आकाश इंस्टीट्यूट के लिए। आज हमारा जो मकसद है यहाँ पर एकत्रित होने का, वो है एंथे। अब व्हाट इज एंथे? एंथे है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, जो पिछले 14 साल से, और ये 15वां एडिशन है आकाश इंस्टीट्यूट का, जो एंथे कंडक्ट करवाया जा रहा है। एंड इट इज द ओनली एग्जामिनेशन, बिगेस्ट एग्जामिनेशन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टिंग। पिछले साल अगर मैं बात करूं सर, तो ऑलमोस्ट 16.5 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन में अपना एनरोलमेंट करवाया था और मोर देन 11.5 लाख बच्चों ने इसको एग्जामिनेशन दिया था। कुछ इसके की मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस एंथे। 5 बच्चों को कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा जाने का मौका मिलेगा, कम्प्लीटली पेड ट्रिप फ्रॉम आकाश साइड फॉर 5 डेज। देन यू हैव कैश रिवॉर्ड्स, यहाँ पर 10,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये तक के कैश रिवॉर्ड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फाउंडेशन क्लासेस। एंड देन मूविंग ऑन टू मेडिकल नॉन मेडिकल इट इज 2 लाख रुपीज फॉर टॉप 5 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। देन यू आप मेडिकल जेई में जाने का सपना रखते हैं, तो आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिलती है, राइट? यू कैन गेट योरसेल्फ फ्री एनरोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विद दिस। और आपको ऑल इंडिया लेवल पे, व्हाट इज हैपनिंग एट द ऑल इंडिया लेवल, वेयर इज योर मेंटल साइकी, राइट? तो ये भी आपको मौका मिलता है सर, अपने आप को मापने का, जज करने का, गेज करने का। हिंदुस्तान में बच्चा कितना अच्छा है, इसको गेज करने का एक ही तरीका होता है, मार्क्स, राइट? सो इससे आपको पता लगता है कि आप स्टेट लेवल पे कहां पर हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कहां पर हैं।
तो पूरे ऑल मतलब यू टॉक अबाउट ऑल 29 स्टेट्स ऑल यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज वी हैव बीन कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन सर। जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मेहंदी रत्ता परिवार से ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदी रत्ता की तरफ से चल रही बेटी पढ़ाओ की श्रृंखला के तहत NRI प्रमोद मेहंदी रत्ता परिवार की ओर से NRI भाइयों के सहयोग से मैट्रिक और 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 20वें दिन की शुरुआत करते हुए 150 के करीब छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। तो वहीं जालंधर के अड्डा बस्ती दानिशमंदा स्थित प्रमोद ऑफिस में करवाए गए 20वें दिन के छात्रवृत्ति समारोह में डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी बस्ती दानिशमंदा जालंधर से जनरल सचिव व चीफ मैनेजर यूको बैंक VK सारंगल वाइस प्रेसिडेंट सीनियर मैनेजर SBI भजनलाल व प्रभदयाल ने मेहंदी रत्ता परिवार की इस प्रयास की प्रशंसा की तथा छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति के लिए मेहंदी रत्ता परिवार को बधाई भी दी। इस दौरान कार्यक्रम में VK सारंगल ने कहा कि बेटियां जितनी अधिक शिक्षित होंगी समाज में उतनी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बेटियों की शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक बेटी की शिक्षित होने से वे शिक्षा के प्रति जागरूक होगी और आने वाले समय में उसका परिवार भी शिक्षित होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बेटियों को शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाना भी जरूरी है। इस दौरान समाज सेवक रविंदर मेहंदी रत्ता ने सभी आई हुई गणमान्यों का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया तथा छात्रवृत्तियों के कार्य के प्रति जागरूक कर पाया। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों से उनके भाई प्रमोद मेहंदी रत्ता ये सेवा कार्य कर रहे हैं ताकि जरूरतमंद परिवारों की बेटियां पढ़ाई से वंचित ना रहें। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यों ने बेटियों की शिक्षा के प्रति सजगता और योगदान की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में मेहंदी रत्ता परिवार के प्रयासों की सराहना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज बस्ती दानिशमंदा धरती पुत्र जो कि श्री प्रमोद मेहंदी रत्ता जी NRI ने ऑस्ट्रेलिया दे विच अपना कारोबार करते हैं उन्हां वल्लों बच्चों शिक्षित करने लई खास करके लड़कियां शिक्षित करने दे लई उन्हां दे वड्डे भाई साहब जो कि पिछले कई सालों तो अपने रविंदर मेहंदी रत्ता जी अपना जिहड़ी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सैरेमनी करते हैं और साल दे विच स्कॉलरशिप बच्चों देंदे है। अज उस ही उपलक्ष्य दे विच असीं इत्थे एक प्रोग्राम दे विच मैनूं VK सारंगल नूं मैं चीफ मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनूं इनवाइट किया गया और मैं आके बहुत ही खुशी महसूस की है कि समाज दे विच इस तरह का परिवार सादगी दे नाल रहण वाला और निस्वार्थ सेवा करन वाला और समाज दे दुख दर्द नूं समझण वाला और खास करके जिहड़ा लड़कियां दी एजुकेशन दे उत्ते उन्हां नूं सपोर्ट करन वाला परिवार है और हर साल वो इन्नी सहायता करता स्कॉलरशिप बनता और अज इसी उपलक्ष्य दे विच असीं इत्थे इकट्ठे होए हाँ। अज दे समय दे विच असीं देखिए पैसे की दौड़ दे विच सारे ही लोग पैसा इकट्ठा करन नूं लगे आ, अगर ये चाहन तो अपने बंगले खड़े कर सकते हैं अपना इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्ना पैसा 6,000 रुपया हर साल एक एक लड़की नूं देंदे आ और करोड़ा रुपया समाज के जिहड़े उत्थान दे विच एक अच्छे समाज की सृजना करन दे लई ये पैसा जिहड़ा वह अपना कंट्रीब्यूट कर रहे ने। मैं समझदा कि इन्हां तों प्रेरणा लैनी चाहीदी है। जालंधर की गुप्ता कॉलोनी में लाफ्टर योगा क्लब की ओर से तीज का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा की अगुवाई में क्लब की सदस्य ने तीज के गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर नीरज वोहरा, अनु सोंधी, मीना शाही, अलका नंदा ने झुमका ठुमका यस नो और हम आपके हैं कौन जैसी रोचक गेम्स का आयोजन भी किया जिसमें सभी सदस्याओं ने जमकर भाग लिया। तो वहीं विजेता रही सदस्याओं को क्लब की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। वहीं मिसेज तीज का चुनाव भी किया गया। इस दौरान पंजाबी बोलियों तथा ढोल की थाप ने सभी को नाचने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर पूनम सुरेखा, कमलेश गुप्ता, पिंकी शर्मा, बबली, अंजू गोंधी, मनु, सीमा शर्मा, शशि शर्मा, हरजीत कौर, मंजू दीवान, आशी खुराना, सुमन जोशी, ऋचा खुराना, नमिता जोशी, अमृत कक्कड़, नीलम गुप्ता, नीलम अरोड़ा, मधु शर्मा सहित सभी सदस्याएं मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
त्यौहार लाफ्टर योगा क्लब के द्वारा बड़ी धूमधाम न मनाया गया। लाफ्टर योगा क्लब के मैंबर के द्वारा रंगागरंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बहुत ही रोचक गेम कीतिया गई, गिद्धा बोलियां गीत गाए गए और इस त्यौहार का यह संदेश दिता है सब ने रल मिल के कि ज हरियाली जिस तरह आती है पेड़ों के उत्ते हरियाली आँदी, हरियाली तीज भी कहा जाता है कि हरा भरा सब दिखता है तो खुशी का संदेश मिलता है। हरियाली तीज यही संदेश है कि सबनों रल मिल के रहो, सारे खुशियां मनाओ ताकि कोई भी परिवार ऐसा ना रहे जे किसी का दुख है वह भी भूल जाए। ये संदेश यही है तीज का कि आपा सारे रलीए, हरियाली की तरह खुश होइए, लोगों के बीच आपा खिले खिले फुलों की तरह अपने संदेश पहुँचाइए। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ गुप्ता कलोनी के लाफ्टर योगा क्लब के मैंबर की जिन्होंने बहुत ही सुंदर कपड़े पहन के रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, नाच गाच उन्होंने किया, खीर मालपूड़े टिक्की चाट का लंगर भी वितरित किया गया।
सारयां दी बहुत आभारी हाँ। मैं सारे नूं ही कहांगी कि तीज का त्यौहार मनाओ सारे रल मिल के, जिदा पुरानी सभ्यता विच पिंडां च सारे लोग पेड़ां दी छां थले कट्ठे बैठते सी, सारे एक परिवार की तरह होंदे सी, रल मिल के दुख सुख ते सांझी होंदे सी। अज उही संदेश शहरां च तीज मना के असीं यही संदेश दईए कि आपां रल मिल के इस देश नूं, इस समाज नूं, इस भारत नूं उन्नति दे मार्ग च ले आईए। सारयां नूं बहुत बहुत खुश रहन, सारे परिवारां नूं तीज दी बहुत बहुत मुबारक। श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर सैदा गेट जालंधर में तीज का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्त्री सत्संग सभा के प्रधान इंदु शर्मा ने अपने सभी सदस्यों सहित शिव भोले की महिमा का गुणगान कर इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आशा, सपना, कोमल, भारती, मीनू, कौशल्या, वीना, डोली, नीतू, सुनीता, पल्लवी, नीरू, शोभा, संतोष, गीता, रीटा भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और से हरियाली तीज का त्यौहार जसलीन कौर की अध्यक्षता में जालंधर के एक निजी होटल में बड़े ही उत्साह से मनाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने सांस्कृतिक परिधानों में सच धज कर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान फन गेम्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें रैंप वॉक, तंबोला, मॉडलिंग आदि में महिलाओं ने भाग लेकर खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान महिलाओं ने तीज के त्यौहार से संबंधित बोलियां और गिद्धा डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सभी सदस्यों को रिटर्न गिफ्ट भी दिए गए। इस अवसर पर नीत विर्क, हरजोत, रंजीत, इनू, पैनी, सीमा, निशा, दविंदर, गीता, रीना, गुरविंदर, विशाखा, अंजना, रूबल सहित अन्य सदस्याएं भी मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज ऐसे सारे इकट्ठे हुए हैं हरियाली तीज वास्ते, सारे मेरे नाल तैयार होके आए ने, सब ने फुलकारियाँ पाई हैं, सोने सोने बन के आए हैं, बैठिया लगाई ने, चूड़ियाँ पाई ने, सोलह सिंगार करके सारी कुड़िया आई ने, तो मैं सब नू थैंक यू करना चाहती हूँ जेडे सारे इतने आए, तो सब ने इंजॉय किया, इतने कैटवॉक हुई, गेम हुई, सारी चीज़ें असं इंजॉय कीतियाँ।
अज तीज दे मौके ते सब नूं बहुत बहुत साडे ग्रुप वल्लों अज तीयां दा त्योहार बड़ी चाह नाल मनाया गया। सारियां लड़कियां ने अपने पंजाबी पहरावे पा के पंजाबी गहने पा के अपनी परफॉर्मेंस दी है। बहुत ही वधिया लग्या। जिन्ने भी कंपीटिशन होए बहुत वधिया रहे, सब ने अपना सहयोग दिता। मैं चाहनी हाँ कि ये अगे भी इस तरह इसे उत्साह नाल और उत्साह नाल इस सभ्याचार में सांभिया जाए, असी रल मिल के इस दिन में मना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, सब नूं बहुत बहुत बधाई। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर प्रभजोत सिंह की ओर से राकेश भगत को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर प्रभजोत सिंह की तरफ से राकेश भगत को बैज लगाकर व प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला उप अध्यक्ष चरणदीप सिंह, सदस्य सोनू भगत सहित साहिल भगत, कुलविंदर सिंह सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश भगत, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मैं पंजाब प्रेसिडेंट की ड्यूटी सौंपी गई है, जिस मेरे सीनियर लीडर सीनियर यूनिवर्सिटी अपने स्टेट चेयरपर्सन वूमन सैल सुखमिंदर कौर जी, स्टेट डिप्टी डायरैक्टर प्रभजोत सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट चरणदीप सिंह मौजूद हैं। इन्होंने मौजूदगी ड्यूटी दिन सौंपी गई है। कल कोई भी अगर कोई करप्शन करता है तो मेरे खिलाफ कॉन्टैक्ट करो। मेरे लिए नंबर से मेरे नंबर 9857 संपर्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक चालंतर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त साप्ताहिक श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान पंकज कालिया से सपरिवार वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गईं। इस अवसर पर उपस्थित भक्तजनों से अपनी बात कहते हुए माँ बंगला मुखी धाम की सेवादार नवजीत भारद्वाज ने कहा कि उसका हुक्म कैसे माना जाए, उसके लिए बुद्धि शुद्ध करनी होगी। अगर हम वासनाओं में फंस जाएं और ये माने कि ये तो भगवान ने करवाया है तो समझना चाहिए कि असत्य का पर्दा पड़ा है। उसके आदेश को सुनने में मनुष्य का अहंकार और आसक्ति बाधा डालती है। मुख्य चीज़ है सत्य का दर्शन। अपने को कायम रखकर सत्य का दर्शन नहीं होता है। अपने को मिटा दें, हटा दें, दूर करें तो चिंतन की प्रक्रिया ठीक चलेगी और सहज ही स्वच्छ प्रकाश मिलेगा, फिर उस पर चलना आसान होगा। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, सरोज वाला, रुकम प्रभाकर, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, बाबा हलचल, दीपक, प्रिंस कुमार, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वे हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर बंटवारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित शक्तदेव जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। तो वहीं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के अश्विनी यादव ने बताया कि ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। वहीं भक्तों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियाँ डालकर विश्व की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर, गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, देवीश्राम सिकंदर, पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, आयुष यादव, अंकुम गुप्ता, अनूप शर्मा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, बबलू शर्मा, गुरमुख सिंह, लवप्रीत, मनोज जोशी, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, अमरजीत कौर, भारती अरोड़ा, नविता, नीना झरत सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पहला बोल साचे दरबार की जय। माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के साप्ताहिक जो लड़ीवार श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ किया जाता है,
वो अज किया गया। महामाई का आशीर्वाद सारे भगतों ने लिया और अपने मन दिया जो भी कठिनाइयां या परेशानियां महामाई के श्री चरणों रखिया साड़ी जगदंबा के चरणों ही अरदास बेनती है। जगदंबा सारिया के उत्ते मेहर भरिया हथ रखो, शरीरिक निरोगता दो, घर परिवार सुख शांति दो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर वीरवार को माँ बगला मुखी धाम गुरमोर सिटी निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों के नाल पहुँच के महामाई का आशीर्वाद लो और महामाई का जोड़ा गुणगान करो और जोड़ा सत्य सनातन का सिस्टम चलिया आ रहा हवन यज्ञ की पद्धति है उत्ते चलते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए आशीर्वाद दीजिए। जय बगला मुखी जी, जय माता। आर्य समाज मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ में अनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में योग सदस्यों द्वारा हरियावल तीज का त्यौहार मनाया गया। माता आनंदमती जी के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत भजन के माध्यम से की गई। इस दौरान अनीता अग्रवाल ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और ये त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान पारिवारिक लघु नाटिका भी पेश की गई जिसमें मिलजुल कर रहने का संदेश दिया गया। इस दौरान सभी मुटियारे पंजाबी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में तैयार होकर पहुंचे और फन गेम्स में भाग लिया। इस दौरान गिद्धा सभी के आकर्षण का केंद्र रहा जिसके बाद सभी ने डीजे की धुन पर डांस कर खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर सलोनी शर्मा, सुमति शर्मा, पूनम आनंद, मधु अरोड़ा, एकता वर्मा, रितु गुलाटी, अनु गुप्ता, सोनिका, किरण वशिष्ठ, रवि शर्मा, नीलम शर्मा, कनिका अग्रवाल, नेहा कालिया, मीनू कपूर, भावना शर्मा सहित सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। अंत में सभी ने खीर पूड़े और स्नैक्स का लुत्फ भी उठाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तीज का त्यौहार मनाने के लिए आर्य समाज मंदिर के कट्ठे हुए हैं। सारिया भैन साढ़िया योग क्लास दिया सारिया भैन मिल के हर साल तीज का त्यौहार इस तरह मनादियां हैं। अज भी असं ये त्यौहार मना रहे हैं। असं इस त्यौहार के तीज तिरंजना की एक परिवारिक प्रोग्राम स्किट गिद्धा डीजे सारिया चीज़ा कर रहे हैं जिद भैन रल मिल के गिद्धे पाँदियां किकलियां पाँदियां हसदियाँ खेडियां गाँदियां। ये त्यौहार बहुत ही प्यारा त्यौहार है। इस त्यौहार के बहाने सारिया भैन असं इकट्ठिया हो जाएं तो हसदियाँ खेलती। पूर्व CPS KD भंडारी की बड़ी बहन स्वर्गीय राज रानी कपूर अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा और रस्म उठाड़ा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्री गुरु पुराण जी की कथा का भोग डालकर स्वर्गीय राज रानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विज विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक जलंधर कैंट नरेंद्र सग्गो, नरेश मलहो, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, प्रेमनाथ भल्ला, मनीष धीर, तरसेम कपूर, राजू थापर, सतीश मल्होत्रा, अशोक गांधी, मुरली वधवा, अनिल पाठक, श्री देवी तला मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बैवल, सुभाष सूद, पूर्व मेयर जगदीश राजा, अमरजीत सिंह अमृत सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा बजरंग कपूर, AR भंडारी, मधु भंडारी, विजय भंडारी, मंजू भंडारी, हीरालाल भंडारी, उमा भंडारी, KD भंडारी, नीना भंडारी, रेखा, आशीष भाटिया, रीना, हितेश दुगल, रुचि, राकेश धीर, रूपा सैगल सहित शहर की राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राज रानी कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे जीवन में इनफैक्ट हम सबके जीवन में बहुत कष्ट आ। पहले मैंने अपने पिताजी को खोया 2013 में, फिर मैंने अपने जीवन साथी को खोया 2018। उसके बाद बच्चों ने अपने जीवन का भविष्य बनाना ही, मेरे दोनों बच्चे एक एक करके फॉरेन में चले गए। मेरी बेटी अपूर्वा जिसको दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसमें सीट मिली, सीट मिलने की बहुत खुशी, बस एक ही चिंता फीस कहां से। पर फीस मेरी मां एक
क्या मैं कहूंगे, क्षण की देरी किए बगैर उसने सारी फीस भर दी। बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ना ही चाहिए। ऐसी थी मेरी माँ, बिना स्वार्थ के जो प्रेम करे वो केवल एक ही होता है, कौन? माँ। बहुत छोटा है, मेरे तो बहुत बड़े बड़े लोग इतने जुड़ बैठे ने। पहला उन्होंने परमिशन नाल मैं कुछ दो शब्द कहना चाहना, कि मैनू इजाजत दो। हाँ, एक बहुत अच्छा जाप है महामृत्युंजय जाप, त्रिंबकम यजामे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम उर्मा रूपमे वंदने मिक्ते मुक्ष मार्ग। अर्थात कि मेरा अंत इस तरह होए कि जिदा एक फल पेड़ ते अपने आप पक के गिर जाता है, उदा मेरा अंत होए। पर असी घर एक अंब का बूटा लाने फटाफट डीकते हैं, कदों अंब पकन के असं तोड़िए कदों टुक, ये रब के बूटे लाए हुए है, ये उन्ने पकाने हैं। जिदा मेरे मदर की डैथ हुई है, ये उन्होंने भी नहीं पता लगा कि अंब कदों पक गया। सुते सुत्या ही वह एक बहुत राज ऋषि की मौत गए ने। दो शब्द मैं अपनी मदर के बारे कहना चाहूँगा। फादर साहब असी 2013 ही लॉस्ट हैं। उस तो बाद वो 11 साल जिदा पंडित जी ने भी किया, बाकिया ने भी किया, एक स्ट्रोंग लेडी वंगन बन के वो अगे आए। उन्होंने नहीं परवाह की कि मैं किन्ना पढ़ी हुई हाँ, मैनू की नहीं आता, मैनू साइन नहीं करना आता, मैं कभी बैंक चिक नहीं गई, नहीं। तो चारों कुड़िया अज उन्होंने अपन सारिया कुड़िया एक काम बहुत वधिया किया, उन्होंने अपन चारों कुड़िया पढ़ाइया पोस्ट ग्रैजुएट कराइया, अज वो अपने पैरों पर खड़िया, किसी उन्होंने किसी भी चीज़ की लोड़ नहीं। अज असी सारे बड़े भरे मन के नाल उस विछड़ी हुई रूह अंतम बधाई दे रहे हैं। ये मैं देख रहा कि जी सभा है ये कोई शोक सभा नहीं बल्कि प्रेरणा सभा है। जो भी किसी व्यक्ति दे असी अंतिम अरदास अंदर विदायगी कार्यक्रम जाने हैं तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर सीखते, उन्होंने जीवन तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते। और जो पंडित जी अपने धार्मिक दृष्टि ने जो कुछ दसते हैं उत्तों भी असं बहुत कुछ सीख के जाने। तो मैं समझदा साढ़े भैन जी राज रानी जी एक ऐसी व्यक्तित्व सिगा जिन्होंने बतौर भैन के रूप के बतौर माँ के रूप के बतौर पत्नी के रूप के और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप के समाज में बहुत कुछ दिता। आप समझ सकते हैं कि जे पति तो बिना किस ढंग बिजनेस चलाना और अपने परिवार को भी संभालना बड़ा औखा होता, उन्होंने करके दिखाया। इस करके मैं समझता कि प्रेरणा समय है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फिरोजपुर पुलिस ने एक महिला सहित दो नशा तस्करों को किया काबू, 6 किलो 655 ग्राम हेरोइन व 6 लाख रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों शिरोमणि कमेटी के कर्मचारी के कातिल को किया काबू, 4 दोषी फरार। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को किया काबू, 1 किलो 6 ग्राम अफीम की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।